सर एक नया स्टॉक ऐड करना है, और ये लार्ज कैप का लार्ज कैप है, सबसे बड़ा स्टॉक में से एक है, वो है एचडीएफसी बैंक। नॉर्मली मैं लार्ज कैप इतना देता नहीं हूँ, बट मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा मुनाफा शॉर्ट टर्म में 15-20 दिन 1 महीने के अंदर मिल सकता है, 150 से 200 पॉइंट का। तो 1665 में खरीदिए, 1600 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, टारगेट 1800 को रखिए पहले। ठीक है, तो ये है HDFC बैंक खरीदारी की सलाह, मर्जर की खबर, और उसके अलावा जो भी टेक्निकल्स लोकेश जी देखते हैं वो अलग है, और वो सारी चीजें वो चार्ट पे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, और आगे जो बड़े लेवल्स के लिए अब यहाँ पे सर करंट लेवल्स पे 100% बाइंग करना है या थोड़ा स्टैगर्ड वे में करना है? सर डिपेंड करता है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सर। एचडीएफसी बैंक में अगर मान लीजिए 1620-30 हजार, क्या फर्क पड़ना है, क्वालिटी स्टॉक है, आपको ऐसे लॉस बुक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी स्टॉक पे। ठीक हो है, तो सकता है लॉस टाइम बुक ज्यादा करने की देना पड़े, बट लॉस जरूरत कभी नहीं बुक नहीं पड़ती। नहीं, छोटा मोटा करेक्शन आएगा तो उससे कुछ खास बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं होगा, तो वो भी है, लेकिन आप चाहें तो वो वाला, नहीं तो एक बार में 1664 के आसपास अभी है, खरीदारी करके चल सकते हैं। सर टारगेट्स क्या दे रहे हैं और टाइम फ्रेम क्या दे रहे हैं इसमें अभी फिलहाल? 1800 का टारगेट है सर 1 महीने के अंदर। बढ़िया, 1800 के टारगेट्स 1 महीने के अंदर में मिल सकते हैं HDFC बैंक में, लोकेशन ने बता दिया है, बहुत कम इतने लार्ज कैप वाले स्टॉक को पकड़ते हैं, लेकिन जब उसमें मौका दिखता है तो पकड़ने में कोई बुराई भी नहीं है, तो पकड़ लिया आपके सामने।